बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली में जनसंख्या नियंत्रण पर एक विवादास्पद बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि मर्द लोग जिस तरह से रोज रोज करते ही रहते हैं, अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तो जनसंख्या नियंत्रण खुद हो जाएगा। असली चीज तो वही है। और आजकल जब महिला नहीं पढ़ी हुई है, मर्द लोग अपना जिस तरह से रोज रोज अपना करते ही रहता है, लेकिन उसको तो ध्यान में नहीं रहता कि हमको रोज दिन पैदा नहीं करना है। अब महिलाएं पढ़ी रहती हैं तो उनको सब चीज का ज्ञान हो जाता है कि भाई कैसे हमको बचाएंगे। नीतीश कुमार के इस बयान पर बिहार की सियासत तेज हो गई है। विपक्ष की भूमिका में बैठी बीजेपी नीतीश कुमार के इस बयान को मुद्दा बना रही है। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर इस बयान को अशोभनीय बताया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने जिस तरह से महिलाओं पर सेक्सी कमेंट किया है वह शर्मनाक है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सुशील मोदी ने कहा कि आरजेडी के संगत में जाने के बाद से नीतीश कुमार भाषा की मर्यादा और संवेदनशीलता खोते जा रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि जो पिएगा सो मरेगा, विरोधियों को तुमको कहकर संबोधित करना और पुरुषों के महिलाओं से रोज रोज शारीरिक संबंध बनाने की बात महिलाओं के बारे में सार्वजनिक सभा में कहना अत्यंत अमर्यादित और आपत्तिजनक है। आगे ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि केवल महिलाओं की अशिक्षा और पुरुषों की मनमानी को गाली की तरह बयां कर रहे हैं वह एक मुख्यमंत्री के लिए अशोभनीय है। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रजनन दर पर ऐसे सड़क छाप बयान की मुख्यमंत्री से अपेक्षा नहीं की जा सकती। बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो बयान दे रहे हैं वो पूरी तरह से अमर्यादित है, उम्र का तकाजा है और इस तरीके का बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री जी, यह महिलाओं के बीच में आप कौन सा शास्त्र पढ़ा रहे हैं? क्या बुढ़ापा में आप सठियान गए हैं क्या? इस तरह से आप जो है क्या पढ़ा रहे हैं? यह गुप्त ज्ञान किसको दे रहे हैं? ये अपने अनुभव को साझा कैसे कर रहे हैं? इस तरह का बयान दे करके मुख्यमंत्री के पद को कलंकित मत कीजिए। आपका गरिमा, थोड़ा आप अपने गरिमा को बचाए रखिए, गरिमा का ख्याल रखिए। आप माननीय मुख्यमंत्री हैं और इस तरह का महिलाओं के बीच में पुरुषों को अपमानित करने का काम और महिलाओं के बीच में इस तरह का बयान आप दे रहे हैं जो एकदम असंवैधानिक है, इस तरह का बयान मत दीजिए। जलील मत होइए और न बिहार को होने दीजिए। बिहार के गरिमा को आप गिरा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बुढ़ापा में आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आप जो है मानसिक विद्वेक के शिकार हो चुके हैं, आप अपना इलाज कराइए। राम सागर सिंह ने भी सीएम नीतीश कुमार के बयान पर आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक मंच को सीएम नीतीश कहीं शाम वाला भूजा पार्टी तो नहीं समझ लिए हैं, जहां कोई कुछ भी बोल जाता है। नीतीश जी, बिहार की जनता ने तो आपका साथ छोड़ ही दिया है, लगता है अब आपका दिमाग भी आपका साथ छोड़ दिया है। आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग खुले मंच से कर रहे हैं वो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। आप क्या उस मंच को शाम वाला अपना भूजा पार्टी वाला जगह समझ लिए थे क्या, जो वैसे भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे? ऐसी भाषाओं से आप तो शर्मसार होते ही हैं, बिहार भी ऐसी बातों से शर्मसार होता है। बिहार को शर्मसार होने से बचाइए। और शिवानंद तिवारी जी जो आपको सलाह दिए हैं कि अब आश्रम यात्रा कीजिए और आश्रम में जाकर के विश्राम कीजिए, छोड़िए समाधान यात्रा। आप तो खुद बिहार के लिए समस्या बन गए हैं, तो अब कहां समाधान दीजिएगा? अब बिहार को बकस दीजिएगा, वही समाधान हो जाएगा बिहार का।